स्वागत है आपका करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में हम साइंस क्वेश्चन आंसर करेंगे जो CHSL एग्ज़ाम के हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में साइंस के क्वेश्चन कराऊंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आता है कॉज ऑफ रेनबो फॉर्मेशन, यानी इंद्रधनुष के बनने का कारण क्या होता है। तो आंसर आएगा ए, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन और डिस्पर्सन, यानी अपवर्तन और परावर्तन और प्रकीर्णन, जो है तीन प्रक्रियाएँ होती हैं कॉज ऑफ रेनबो में। नेक्स्ट आता है यूनिट यूज टू मेजर डिस्टेंस बिटवीन स्टार, यानी तारों के बीच में दूरी को मापने के लिए कौन सी यूनिट का यूज़ होता है। तो लाइट ईयर का प्रयोग होता है तारों की दूरी मापने के लिए। टेस्ला एक यूनिट है जो किसके लिए यूज़ होती है। टेस्ला यूनिट जो है मैग्नेटिक फील्ड के लिए यूज़ होती है। विच टाइप ऑफ मिरर यूज इन हेडलाइट ऑफ व्हीकल, यानी व्हीकल की हेडलाइट में कौन सा मिरर यूज़ होता है। तो आंसर आएगा बी, यानी कॉनकेव मिरर जो है यूज़ होता है व्हीकल के लिए। हैवी वाटर जो है न्यूक्लियर रिएक्टर में जिसका प्रयोग होता है वो क्या होता है। तो वो जो है मॉडरेटर के रूप में रिएक्टर में यूज़ होता है। भारी जल कहते हैं हैवी वाटर को, D2O इसका दूसरा नाम है। नेक्स्ट आता है विच मेटल आर यूज इन फ्यूज़ वायर, यानी फ्यूज़ की वायर में कौन सा मेटल यूज़ होता है। तो आंसर आएगा बी, यानी एलॉय ऑफ टिन एंड लेड, टिन और लेड जो है इसका प्रयोग होता है फ्यूज वायर में। विच डिवाइस इज यूज टू कन्वर्ट साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी, यानी ऐसी कौन सी डिवाइस है जो ध्वनि तरंगों को विद्युत तरंगों में कन्वर्ट करती है। तो माइक्रोफोन जो है ध्वनि को विद्युत तरंगों में कन्वर्ट करता है। डिवाइस डायनेमो इज यूज टू कन्वर्ट, यानी डायनेमो का प्रयोग जो है किसके लिए होता है। तो डायनेमो जो है मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बॉल पेन फंक्शन करता है किस प्रिंसिपल पर। बॉल पेन के लिए फंक्शन आता है सरफेस टेंशन, यानी पृष्ठ तनाव का प्रयोग होता है बॉल पेन में। रेड लाइट जो है सिग्नल के लिए क्यों प्रयोग की जाती है, क्योंकि रेड लाइट यानी लाल रंग में लॉन्ग वेवलेंथ, यानी उसका लंबी वेवलेंथ होती है, उसके कारण लाल रंग जो है दूर से दिखाई दे जाता है। नेक्स्ट आता है जी विच द फॉलोइंग लाइट रे इज यूज फॉर एलिमिनेटिंग बैक्टीरिया, यानी ऐसी कौन सी लाइट, ऐसा प्रकाश है जो जीवाणुओं को समाप्त करने के लिए यूज होता है। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन यानी पराबैंगनी तरंगों का प्रयोग जो है बैक्टीरिया को समाप्त करने के लिए यूज होता है। विच द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज एसोसिएट विद ऑप्टिकल फाइबर, यानी ऑप्टिकल फाइबर में कौन सा सिद्धांत काम करता है। तो सी आंसर आएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये जो है ऑप्टिकल फाइबर में यूज़ होता है। विच टाइप ऑफ कोल प्रोड्यूस द ग्रेटेस्ट एनर्जी, यानी किस प्रकार का कोयला जो है सबसे ज़्यादा ऊर्जा को पैदा करता है। आंसर आएगा बी, यानी एंथ्रेसाइट कोल जो है सबसे ऊर्जावान होता है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ सन डोंट रीच द अर्थ बिकॉज ऑफ, यानी पराबैंगनी किरणें जो हैं पृथ्वी पर नहीं पहुंचती। तो कारण होता है ओजोन, ओजोन यानी ए, ओजोन गैस जो है अल्ट्रावायलेट रेज को डिस्ट्रॉय कर देती है। विच मेटल इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हीटिंग एलिमेंट यूज इन इलेक्ट्रिक आयरन, यानी इलेक्ट्रिक आयरन में कौन सा मेटल यूज होता है। तो आंसर आएगा नाइक्रोम, बी, यानी नाइक्रोम की तार का प्रयोग होता है इलेक्ट्रिक आयरन में। विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ विंड, यानी वायु की गति मापने के लिए कौन सी डिवाइस का यूज होता है। आंसर आएगा एनीमोमीटर, बी। कलर ऑफ लाइट इज रिलेटेड, यानी प्रकाश का रंग जो है किस से जुड़ा होता है। आंसर आएगा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी से जुड़ा होता है हमारी लाइट का रंग। व्हाट प्रिंसिपल लॉ एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ हाइड्रोलिक ब्रेक इन ऑटोमोबाइल, यानी हाइड्रोलिक सिस्टम जो है किस सिद्धांत पर काम करता है। तो बी आंसर आएगा पास्कल के नियम पर काम करता है। विच द फॉलोइंग इज यूज फॉर सनग्लासेस, यानी सनग्लासेस में कौन सा ग्लास यूज होता है। तो क्रूक्स ग्लास का यूज जो है सनग्लासेस में होता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है कहाँ पर ट्रेवल, यानी कैन नॉट ट्रेवल थ्रू। तो सी आएगा वैक्यूम में लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है ट्रेवल नहीं कर सकती, जैसे साउंड वेव। गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत का अच्छा कंडक्टर कौन सा होता है। तो डी आएगा ग्रेफाइट जो है अच्छा कंडक्टर होता है। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, यानी तत्व की चौथी स्थिति, तो प्लाज्मा जो है चौथी स्थिति आती है मैटर की। विच द फॉलोइंग पार्ट ऑफ सनलाइट मेक्स द सोलर कुकर हॉट, यानी सोलर कुकर हॉट करता है
जो सनलाइट का प्रयोग करता है, तो आंसर आएगा ए, यानी इंफ्रारेड तरंगों का प्रयोग यूज करता है सोलर कुकर। क्रायोजेनिक जो है साइंस की एक धारा है जो किस से जुड़ी हुई है, तो सी, इसका आंसर आएगा सी, यानी लो टेम्परेचर, कम तापमान पर प्रयोग होता है क्रायोजेनिक इंजन, और क्रायोजेनिक इंजन जो है रॉकेट के लिए यूज़ होते हैं। स्पेक्टेटल यूज फॉर व्यूइंग 3D फिल्म, यानी 3D फिल्म में देखने के लिए कौन सा प्रोसेस या लेंस यूज होता है, तो ए आएगा पोलराइट। पोलराइट जो है 3D फिल्मों को देखने के लिए यूज होते हैं। वीकेस्ट फोर्स, यानी ऐसी कौन सी कमजोर फोर्स है जो यूनिवर्स में पाई जाती है, तो डी आएगा गुरुत्वाकर्षण, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे कमजोर फोर्स मानी जाती है। यूनिट ऑफ नॉइस पोल्यूशन लेवल किस चीज़ से मापा जाता है, तो डेसिबल से हम नॉइस पोल्यूशन को मेजर करते हैं, बी आंसर आएगा। पिच ऑफ साउंड, यानी साउंड की पिच जो है तारत्व, सी यानी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है, आवृत्ति पर। सोलर एनर्जी जो है किस कारण पैदा होती है, यानी सूर्य के अंदर ऊर्जा का स्रोत कौन सी प्रक्रिया है, आंसर आएगा डी, फ्यूजन रिएक्शन, यानी नाभिकीय संलयन। रियर व्यू मिरर जो है ड्राइविंग में यूज होते हैं, वो कौन से होते हैं, तो रियर व्यू के लिए कॉन्वेक्स यानी उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑडियो सिग्नल ऑफ टीवी, यानी टीवी में ऑडियो सिग्नल के लिए किस प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, तो आंसर आएगा डी, यानी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड, इसका टीवी सिग्नल में प्रयोग किया जाता है। रेड यानी लाल रंग जो है इमरजेंसी यानी डेंजर सिग्नल के लिए क्यों प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसकी वेवलेंथ जो है लंबी होती है, ज़्यादा होती है, और ये दूर से दिखाई दे जाता है। विच कलर ऑफ लाइट शो मैक्सिमम डेविएशन, यानी प्रकाश के रंगों में ऐसा कौन सा रंग है जो सबसे ज़्यादा डेविएशन यानी प्रभाव रखता है, जो मुड़ जाता है जल्दी प्रिज्म में, तो आंसर आएगा बी, यानी बैंगनी रंग जो है सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। प्योर वाटर ऑफ जो साफ जल होता है वो पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, क्यों, तो डी आएगा फीबली आयोनाइज, यानी साफ पानी जो है आयोनाइज होता है। नेक्स्ट आता है फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, फिलामेंट जो है इलेक्ट्रिक बल्ब में किस चीज़ से बना होता है, तो आंसर आएगा टंगस्टन का बना होता है बल्ब में फिलामेंट। व्हेन ए डिटर्जेंट इज एडेड टू प्योर वाटर, यानी जब किसी डिटर्जेंट को पानी में मिलाया जाता है, तो पृष्ठ तनाव यानी सरफेस टेंशन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो सरफेस यानी पृष्ठ तनाव जो है कम हो जाता है, डिक्रीज, बी। थर्म जो है किसकी यूनिट है, तो थर्म जो है यूनिट है हीट की यानी ताप की। पॉन्ड वाटर यानी तालाब का पानी जो है कम गहरा दिखाई देता है, क्यों, तो बी आंसर आएगा रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन के कारण वो कम गहरा दिखाई देता है। हीट फ्रॉम द सन रीच द अर्थ बाय, यानी सूर्य से जो गर्मी हमें प्राप्त, ताप हमें प्राप्त होता है पृथ्वी पर, वो किस प्रोसेस के कारण प्राप्त होता है, तो आंसर आएगा रेडिएशन यानी सूर्य की रोशनी हमें विकिरण द्वारा प्राप्त होती है। द मास ऑफ स्टार इज 2 times द मास ऑफ सन, हाउ इट विल कम टू एन, यानी एक मास, एक तारे का मास जो है कम हो जाता है तो क्यों होता है, यानी जब तारा जो है न्यूट्रॉन तारे के रूप में बन जाता है, आंसर आएगा सी, न्यूट्रॉन स्टार। बोट विल सबमर्ज व्हेन इट डिस्प्लेस वाटर, यानी एक नाव जो है सबमर्ज हो जाती है पानी में, क्योंकि पानी को डिस्प्लेस करती है यानी वो अपने वजन को डिस्प्लेस करती है पानी के हिसाब से, तो आंसर आएगा ए, वेट। तो वेयर आर मेसॉन फाउंड, यानी मेसॉन तत्व जो है कहाँ प्राप्त होता है, तो मेसॉन जो है हमें कॉस्मिक यानी कॉस्मिक तरंगों में, हमें ए आंसर आएगा, कॉस्मिक तरंगों में हमें मेसॉन प्राप्त होता है। टंगस्टन जो है ये मैन्युफैक्चरिंग की जाती है फिलामेंट के लिए, तो इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट क्यों यूज़ किया जाता है, तो आंसर आएगा डी, यानी ये इसका वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट यानी इसका पिघलन यानी पिघलने का बिंदु जो है इसका क्वथनांक बहुत ऊंचा होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, डी। द टर्म आइसोनेफ इंडिकेट द लाइन ऑफ इक्वल, यानी आइसोनेफ लाइन जो है किसके लिए यूज होती है, तो ये आएगा सी, क्लाउडनेस के लिए। द पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, यानी भूस्थैतिक सैटेलाइट जो है पृथ्वी का चक्कर कितनी देरी में लगाते हैं, तो आंसर आएगा ए, यानी 24 घंटे में। फिर आता है पेंडुलम के लिए कितने सेकंड का टाइम होता है, तो पेंडुलम जो है बी आएगा, 2 सेकंड का टाइम लेता है पेंडुलम। लेंस इज मेड ऑफ, लेंस जो है डी, यानी फ्लिंट ग्लास से बनते हैं लेंस।
अमंग द फॉलोइंग मटेरियल साउंड ट्रेवल फास्ट, यानी ध्वनि तरंगे सबसे तीव्र किस धातु में चलती हैं? तो आंसर आएगा बी, यानी स्टील में। हेड मिरर यूज बाय ENT डॉक्टर, यानी ENT डॉक्टरों के द्वारा कौन सा मिरर यूज होता है? तो बी आएगा, कॉनकेव लेंस का यूज होता है। द वर्ड इंसुलेशन मीन, यानी इंसुलेशन शब्द का क्या अर्थ है? तो सी, यानी इनकमिंग सोलर रेडिएशन, यानी सूर्य के द्वारा जो ऊर्जा हमें, जो ताप हमें प्राप्त होता है, उसको इंसुलेशन कहते हैं। द टर्म रिएक्टर रेफर टू एन वेस्ट वाटर, यानी वेस्ट वाटर में हम रिएक्टर का, जिसको हम बायो रिएक्टर कहते हैं, तो बायो रिएक्टर जो है एरिएशन टैंक, यानी बैक्टीरिया को मारने के लिए यूज होता है एरिएशन टैंक में। द अर्थ इज, यानी पृथ्वी है, आंसर आएगा सी, बैड एब्जॉर्वर और बैड रेडिएटर, यानी ना तो ताप को जल्दी लेती है ना ही उसको छोड़ती है। विच द फॉलोइंग रेडिएशन हैज लीस्ट वेवलेंथ, यानी इनमें से कौन सी रेडिएशन जो है सबसे कम वेवलेंथ रखती है? तो आंसर आएगा ए, यानी गामा रेज। पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, यानी निकट दृष्टि रोग से अगर कोई व्यक्ति ग्रसित है तो कौन से लेंस का यूज करेगा वो? तो सी आंसर आएगा, कॉनकेव लेंस। डिवाइस यूज फॉर लोकेटिंग सबमर्ज ऑब्जेक्ट अंडर सी, यानी समुद्र के अंदर चीज़ों को ढूंढने में किस चीज़ का यूज़ होता है? तो बी आएगा, सोनार सिस्टम का यूज़ होता है समुद्रों के अंदर। डिवाइस विच इज़ यूज टू लिमिट द करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड, तो आंसर आएगा फ्यूज़, यानी फ्यूज़ का यूज़ होता है इलेक्ट्रिक करंट सर्किट में। ट्रांसफॉर्मर जो है किसके लिए यूज़ होता है? तो आंसर आएगा डी, यानी यूज टू डिक्रीज और इंक्रीज एसी वोल्टेज, यानी एसी करंट को अप डाउन करने के लिए ट्रांसफार्मर का यूज़ होता है। एक्लिप्स ऑकर, यानी ग्रहण क्यों लगते हैं? तो उसमें कौन सा ऑप्टिकल फेनोमेना होता है? तो सी आएगा, रिफ्लेक्शन के कारण जो है सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि लगते हैं। मटेरियल यूज्ड इन फैब्रिकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर, तो ट्रांजिस्टर में कौन सा मटेरियल यूज होता है? तो आंसर आएगा सिलिकन के ट्रांजिस्टर बनते हैं, ए आंसर। नेक्स्ट आता है जी, फॉर ए पर्सन हैविंग हाइपरमेट्रोपिया, यानी दूर दृष्टि रोग हाइपरमेट्रोपिया होता है, तो उसके लिए कितने सेंटीमीटर की दूरी होती है, नियर पॉइंट होता है उसके लिए? तो आंसर आएगा बी, यानी 50 मीटर का नियर पॉइंट होता है उसके लिए। एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज आर, सी आंसर आएगा, इक्वल टू ईच अदर, यानी ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। नेक्स्ट आता है, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविशनल फील्ड ऑफ अर्थ इज मैक्सिमम, यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है पृथ्वी पर सर्वाधिक कहाँ मिलती है? तो आंसर आएगा बी, यानी पोल्स, ध्रुवों पे सबसे ज़्यादा गुरुत्वाकर्षण बल मिलता है। फिर नेक्स्ट आता है जी, साउंड प्रोडक्शन ऑफ बाय ए बैट इज, यानी बैट के द्वारा एक ध्वनि पैदा की जाती है, तो वो कौन सी ध्वनि होती है? तो आंसर आएगा डी, यानी अल्ट्रासोनिक तरंगों का प्रयोग करते हैं बैट। तो ये थे साइंस के क्वेश्चन। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।